तो दोस्तों आज इस वाले वीडियो में हम लोग इस तरह के ब्राउन HDR इफेक्ट को क्रिएट करेंगे एलाइट मोशन एप्लीकेशन में। और मैं तुम्हें बता देता हूँ इस तरह के HDR इफेक्ट को क्रिएट करना बिल्कुल ही आसान होगा जब तुम इस वाले वीडियो को देख लोगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्या करते हैं, एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। देखो एलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद इस प्लस वाला आइकन पर टैप करके वीडियो का रेशियो ऊपर में सेलेक्ट कर लेंगे, देन नीचे में क्रिएट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पे हमें अपने वीडियो को ऐड करना होगा जिस वीडियो में इस तरह के ब्राउन HDR इफेक्ट को हमें क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो वीडियो ऐड करने के लिए इस प्लस वाला आइकन पर टैप करना है, मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करके तुम्हारा गैलरी ओपन हो जाने के बाद गैलरी से तुम्हें अपने वीडियो को ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख लो मैंने यहाँ पर एक वीडियो को ऐड किया हूँ, अभी इस वाले वीडियो में कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो इसी वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ब्राउन HDR वाला जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो इस प्लस वाला आइकन पर टैप करके एक स्क्वायर के शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे पूरी तरह से वीडियो में इस तरह कवर कर देते हैं। देन तुम यहाँ पर देखोगे कलर एंड फिल का ऑप्शन है तो इस पर टैप कर देना है और इस ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है और वापस इस एरो के निशान पर टैप करके आ जाते हैं बैक। अब क्या करना है हमें, इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर तुम्हें टैप कर देना है और यहाँ पर बहुत सारा इफेक्ट तुम्हें मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उस वाले इफेक्ट को तुम्हें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डिफरेंस है, एक्सक्लूजन है, तो यहाँ पर मैं सब ट्रैक को यूज करूँगा, तुम्हें भी इसे यूज कर लेना है बिना कुछ हिजक के, ठीक है। उसके बाद इस एरो के निशान पर टैप करके आ जाते हैं बैक। अब हम लोग इसमें इफेक्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट वाला ऑप्शन पर चले आएंगे, एड इफेक्ट पर टैप करेंगे, देन नीचे की ओर स्लाइड करते हुए यहाँ पर अदर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी बैकग्राउंड का जो इफेक्ट है इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे ताकि हमारा वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो कॉपी हो जाए। अब क्या करते हैं, इस कॉपी बैकग्राउंड पर टैप कर देते हैं, देन एड इफेक्ट पर फिर से टैप करेंगे और इस ब्लर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके, तुम्हें तो पता है गॉसियन ब्लर का इफेक्ट तो अप्लाई करना ही होगा, तो गॉसियन ब्लर का इफेक्ट को हम लोग ऐड कर लेते हैं और इसे भी रख देते हैं बिना कुछ किए स्टैंडर्ड सेटिंग पे। अगेन एड इफेक्ट पर टैप करना होगा और इस कलर इन लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इस बार हम लोग एक्सपोजर और गामा का जो इफेक्ट है इसे ऐड कर लेते हैं, ऐसे भी रख देते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग पे। मतलब सभी इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ही लगभग रखा जाता है एलाइट मोशन एप्लीकेशन में, ये तो तुम लोग जान ही गए होगे इतने वीडियो को देख देख कर। अब तुम्हें क्या करना है, देखो गॉसियन ब्लर पर टैप करके गॉसियन ब्लर का जो स्ट्रेंथ है इसे तुम्हें बढ़ा लेना है, तो बढ़ा के मैं इसे रख रहा हूँ 400 के करीब, तो तुम्हें भी कुछ इतना रख लेना है, कुछ 19-20 हो सकता है तुम्हारे वीडियो के हिसाब से, तो इसमें सेम रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ और इस बात को मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। अब गॉसियन ब्लर पर टैप करके नीचे में एक्सपोजर और गामा का जो इफेक्ट हम लोगों ने ऐड किया था इस पर टैप कर देते हैं और यहाँ पर तुम देखोगे एक्सपोजर गामा ऑफसेट का ऑप्शन है, तो फर्स्ट में जो एक्सपोजर है इसे हम लोग को माइनस करना है, तो मैं यहाँ पर इस माइनस करके कितना रख लेता हूँ 41। उसके बाद नीचे में गामा का जो ऑप्शन है इसे तुम्हें इंक्रीज करना है, मतलब बढ़ाना है, देख लेना वीडियो में बढ़ाने पर अच्छा लगता है तो बढ़ाना ना तो हल्का सा घटा लेना, तो मैं इसे बढ़ा लेता हूँ। देन नीचे में ऑफसेट वाला ऑप्शन पर टैप कर देंगे और इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसे माइनस में 0.4 रख लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर टैप करके आ जाते बैक। देखो इफेक्ट तो हमारा वीडियो में लगभग अप्लाई हो चुका है, लेकिन दो इफेक्ट हम लोग अपने वीडियो के मेन लेयर पर अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए वीडियो के लेयर पर टैप कर देंगे और इफेक्ट वाला ऑप्शन पर चले जाके एड इफेक्ट पर टैप करेंगे और फिर से अदर वाला ऑप्शन पर चले आके यहाँ से चैनल रीमेप RGB वाले इफेक्ट को ऐड करेंगे और इसे रख देंगे स्टैंडर्ड सेटिंग पे। अब देखो यहाँ पर चार लाइन तुम्हें मिलता है RGBA, तो हमें यहाँ सेकेंड और थर्ड वाले लाइन को बदलना है, तो सबसे पहले सेकेंड वाले लाइन को बदल के Y पे कर देते हैं और थर्ड वाले लाइन को बदल के G पे कर देते हैं, तो हल्का हल्का तुम देख लोगे ब्राउन का इफेक्ट जो है आ चुका है। फिर से चैनल रीमेप पर टैप करेंगे, एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले आएंगे और यहाँ पर कलर एंड लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे की ओर स्लाइड करोगे तो तुम यहाँ पर कोना में छिपा हुआ मिलेगा सेचुरेशन एंड वाइब्रेंस, तो इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है, ऐसे रख देना है स्टैंडर्ड सेटिंग पे और इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, तो इस पर टैप करेंगे सेचुएशन को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, तो इसे इंक्रीज करके मैं 23% रख लिया हूँ, मतलब लगभग 24% के करीब। अब नीचे में वाइब्रेंस है तो भाई इसे भी तो हमें कुछ करना है, तो इसे भी थोड़ा छेड़छाड़ कर लेते हैं, तो हम लोग इसे बढ़ा के चलो 1.20 रख लिया, 20 नहीं हुआ भाई 1.90 है, तो 1.20 मैंने रख लिया। अब अपने वीडियो के स्क्रीन पर टैप करके आ जाते हैं बैक, देन इसमें हम लोग ओवरले का इफेक्ट को अप्लाई कर देते हैं, तो इस प्लस वाला आइकन पर टैप करते हैं, इस स्क्वायर के शेप को सिलेक्ट करते हैं और इसे पूरी तरह से वीडियो में कवर कर देते हैं, देन कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर चले आके व्हाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसी एरो के निशान पर टैप करके वापस से आ जाएंगे बैक एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन पर एकदम
टैप कर देना है और फर्स्ट में ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है। बस दोस्तों तुम्हारे वीडियो में इस तरह का ब्राउन HDR वाला इफेक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। देख लो दोस्तों वीडियो में ब्राउन HDR वाला इफेक्ट जो है अप्लाई हो चुका है, वीडियो देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। अब तुम्हें इस वाले वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है अपने गैलरी में। तो तुम्हें वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।